सो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इस हेयर ऑयल को रिव्यू करेंगे। तो ये है वाव का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। तो ऐसी तरह की इसकी पैकेजिंग है, कुछ कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, बॉक्स पैकेजिंग है। तो हम अगर इसको देखें तो ऑल अबाउट यूजिंग हेयर ऑयल्स, लाइक इधर पे लिखा है कि कैसे हेयर ऑयल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस हेयर ऑयल को पूरे स्कैल्प पे ओवरनाइट अप्लाई करके रखना होगा एंड दूसरे दिन उसको धोना होगा। तो ऐसे करके हम इस हेयर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। देन इसका कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है एंड इसका MRP है 599। सो 200 ml का MRP 599, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेजोन से इसको 328 में मिला था। तो आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो हेयर वी कैन सी द ऑनियन सीड ऑयल, देन स्वीट आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, देन आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल। सो दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑयल। लेकिन इसमें कुछ मिनरल ऑयल्स है कि नहीं है, इसका कुछ भी लाइक ट्रेस नहीं है इंग्रेडिएंट्स में। एंड ऑल्सो कितनी परसेंटेज में है वो भी नहीं है, तो इसमें मिनरल ऑयल हो भी सकता है। नाउ द हेयर ऑयल इम्प्रूव्स टू ट्रिम, फ्रीज, रिड्यूस हेयर लॉस, बूस्ट ग्लोस, ऐसा कुछ काम करता है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा है। तो लेट्स चेक द हेयर ऑयल इट्सेल्फ। तो इसका ये इनर पैकेजिंग है, ये कुछ ऐसे एक बॉटल में आता है। तो इस बॉटल का शेप कुछ ऐसा है, तो ये ओवल शेप तो नहीं है, हाफ ओवल शेप है। तो इधर भी सब कुछ लिखा है, वाव ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल ब्रांडिंग लेवलिंग करके रखा है, मेड इन इंडिया, नेट वॉल्यूम 200 ml। तो इधर भी सब कुछ जो कुछ उधर लिखा था बैक में, तो इधर भी सब कुछ लिखा है, लाइक हाउ टू यूज़, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एट्सेट्रा। सो इधर ग्रीन में ग्रीन इस साइन का मतलब होता है कि ये टोटली मतलब इसमें कुछ नॉन वेज ऐसा कुछ यूज्ड नहीं है। तो इधर भी MRP है 599 एंड वॉल्यूम है 200 ml। तो ये ऐसा एक कैप में आता है एंड ऐसा एक पंपिंग सिस्टम में आता है। तो ये है हेयर ऑयल, लेकिन ये पंपिंग सिस्टम अच्छा नहीं है क्योंकि ये लीक हो रहा है एंड द हेयर ऑयल इज़ टोटली यू नो ट्रांसपेरेंट, कि इसका कुछ कलर नहीं है, एकदम पानी का कलर जैसा है। नहीं, हेयर ऑयल थोड़ा थोड़ा स्टिकी भी है, नॉन स्टिकी, नॉन ऑयली ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्टिकी भी है। एंड इसमें हेयर फॉयल कंट्रोल, आई डोंट थिंक इसमें हेयर फॉयल कंट्रोल होता है इसमें। इवन बिफोर आई यूज्ड आयुर्वेदा हेयर ऑयल, सो उसके बाद इसको लगाने से क्या हो रहा है कि हेयर फॉल और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता। सो ओवरऑल द प्रोडक्ट इज़ नॉट बैड, क्योंकि ये अपने स्कैल्प को अच्छा ठंडा देता है, तो वो वाइज ठीक है। लेकिन जो ये क्लेम करता है कि इट रिड्यूस हेयर फॉल, लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, हेयर फॉल रिड्यूस नहीं होता। और MRP भी बहुत ज़्यादा है, सो आई डोंट थिंक दैट इट्स अ वायबल डिसीजन टू बाय दिस प्रोडक्ट। सो आई विल नॉट बाय दिस प्रोडक्ट अगेन फॉर श्योर, क्योंकि अगर आयुर्वेदा की जो हेयर ऑयल था तो उसमें हेयर फॉल कंट्रोल होता था फॉर श्योर, लेकिन इसमें कुछ हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है। इवन इफ आई से कि हेयर फॉल थोड़ा सा इंक्रीज्ड भी हो गया, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज्ड हो गया इससे, हेयर फॉल की वॉल्यूम, तो वो अच्छा नहीं है। तो फॉर श्योर दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट, क्योंकि इधर पे इंग्रेडिएंट्स भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मिनरल ऑयल वगैरह यूज्ड हुआ है कि नहीं। एंड द प्राइस इज़ ऑल्सो टू हाई एंड द ऑयल इज़ स्टिकी, सो द प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड एट ऑल। So, okay, thank you, bye.